मैं शपथ लेती हूँ। विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। मुगल वंश का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। मुगल वंश के अध्ययन की कड़ी में ही बीच में सूर्य वंश आ जाता है, ठीक है। एक धब्बा लग जाता है मुगल वंश पे हुमायूं के बाद। सूर्य वंश कौन संस्थापक था सूर्य वंश का? शेरशाह सूरी। उसका वास्तविक नाम क्या था? फरीद। कहाँ का उसका पिता जमींदार था? सासाराम का। शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी उसको? जौनपुर। हाँ, ऐसे याद होना चाहिए। इसी टाइप से प्रश्न के मतलब एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और कौन से अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? कालिंजर का अभियान। कब कर रहा था अभियान कालिंजर का? 1545 में। 1540 से लेकर 1545 तक 5 वर्ष तक ही शेरशाह सूरी का शासन रहता है। तो अब सूर्यवंश का समापन हो जाता है। हुमायूं वापस लौट आता है 1555 में। दो युद्ध करता है, मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। इस दौरान उसका बेटा जन्म ले लेता है 1542 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हो गया होता है। किसका? अकबर का। पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जन्म कहाँ होता है? अमरकोट में होता है। कहाँ होता है? अमरकोट। सिंध का ही एक क्षेत्र था अमरकोट, जहाँ पर जब ये भाग रहा था, कौन? हुमायूं। हुमायूं को खदेड़ा था किसने? शेरशाह सूरी ने, दिल्ली से। तो जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ा, तो सिंध में एक स्थान था कौन? अमरकोट। यहाँ राजपूत शासक जो है बीरसाल था, राणा बीरसाल यहाँ का शासक था। तो उसी के राज परिवार में, उसी के संरक्षण में अपनी पत्नी को छोड़ जाता है। पत्नी उसकी जो हमीदा बानो बेगम थी, किसकी? हुमायूं की। वो गर्भ से थी, तो उसको जो है अमरकोट के दरबार में छोड़ जाता है। और वो निकल जाता है सिंध के रास्ते, कहाँ? ईरान। वो निकल जाता है सिंध के रास्ते भागते हुए ईरान। तो अमरकोट के दरबार में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है। उसकी माँ कौन थी? हमीदा बानो बेगम। पिता हुमायूं था, ठीक। तो इस तरीके से जन्म हो जाता है। और इस दौरान वापस ईरान के शाह के साथ हुमायूं वापस आता है, और मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध होता है। तो इन दोनों युद्धों में शामिल होता है कौन? अकबर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति हुमायूं का था, जिसका नाम था बैरम खां। जिसका क्या नाम था? बैरम खां। आपने वो कौन सी मूवी आई थी? बाहुबली। कटप्पा देखा है ना? कटप्पा जिस तरीके से बाहुबली का संरक्षक रहता है ना, बचपन में जब वो छोटा रहता है, तो उसी तरीके से बिल्कुल कटप्पा था कौन? बैरम खां। कटप्पा की भांति ही जो है संरक्षण में जो है उसके पालन पोषण करता है, और उसको जो है शिक्षा देता है, तलवारबाजी और ये सब सिखाता है कौन? बैरम खां। किसको? अकबर को। तो उसी के संरक्षण में मछीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में एज ए जो है सिपाही के रूप में लड़ता है। अभी मात्र 13 साल 14 साल की उम्र थी, 12-13 साल की ही उम्र थी अकबर की, और उस युद्ध में भाग लेता है। तो इस तरीके से मतलब अभी आप हाई स्कूल के परीक्षा में पढ़ोगे, इस उम्र में 12-13 साल की, 14 साल की उम्र में कौन सी परीक्षा में पढ़ोगे? हाई स्कूल की। और उस उम्र में बालक जो है युद्ध में भाग ले रहा है, बैरम खां के संरक्षण में युद्ध भूमि में सीख रहा है युद्ध। तो इस तरीके से जो है शुरुआत में ही ये युद्ध में, युद्ध की कला में पारंगत हो रहा है। और जैसा कि पता है, हुमायूं
आ करके दिल्ली की गद्दी को फिर से हथिया लेता है। सूर वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर को परास्त करके दिल्ली और आगरा की गद्दी पुनः प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद जो है शेरमंडल की या फिर दीनपनाह जो शेरमंडल जिसको जिसकी स्थापना किसने करवाई थी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में ही पुराना किला स्थापित करवाया था। पुराना किला में ही किलाई कोहना और उसी में जो है शेरमंडल एक अष्ट भुजीय जो है एक इमारत थी, आठ कोनों वाली इमारत थी जिसको क्या कहा गया, शेरमंडल। तो याद रखना शेरमंडल अष्टभुजीय इमारत थी। कौन सी इमारत थी, अष्टभुजी, यानी आठ कॉर्नर थे उसमें। तो उसी अष्टभुजी इमारत को से हुमायूं ने क्या बना दिया था, पुस्तकालय बना दिया था। दीनपनाह पुस्तकालय बना दिया था। तो उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों पर लुढ़क करके 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो उस समय चूँकि जो अकबर था, अकबर पंजाब वाले क्षेत्र में, लाहौर वाले क्षेत्र में, यहाँ पर जो है वो सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था, लाहौर या पंजाब का। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि जब उसके पिता की मृत्यु होती है, हुमायूं दिल्ली में था, जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो अकबर कहाँ का सूबेदार था, कहाँ का गवर्नर था, लाहौर का या पंजाब का। प्रश्न में पंजाब भी पूछ सकता है या लाहौर भी पूछ सकता है। तो वहाँ का गवर्नर था। इस दौरान जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उसको इतना गोपनीय तरीके से रखा जाता है क्योंकि अभी जो है अफगान कमज़ोर नहीं हुए थे। अगर पता चल जाता अफगानों को, जो सूर वंश के शासक थे अफगान थे, उनको पता चलता कि हुमायूं मर चुका है तो पुनः दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर देते। तो उसके मृत्यु को सूचना को इतना गोपनीय रखा गया, हुमायूं की सूचना को, कि लगभग 24 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला। और अकबर को सूचना बहुत ही गोपनीय तरीके से दी गई, कहाँ पर, लाहौर पंजाब वाले क्षेत्र में आकर के। तो बैरम खां के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। बैरम खां उसका संरक्षण था। हुमायूं ने कहा था मेरा बेटा छोटा है और तुम्हारे संरक्षण में ही ये युद्ध की कला सीखेगा, तुम इसको अपने साथ रखो और जो भी युद्ध में जाए मेरा बेटा तुम साथ में उसके जाना, नेतृत्व करना। तो बैरम खां के साथ वो चल देता है कहाँ पर, दिल्ली की तरफ। उसी बीच उसको पता चलता है कि जो है अब दिल्ली की दिल्ली पर जो है कब्जा करने के लिए, चूँकि अब अफवाह कितने दिन तक रोका जा सकता था, अफवाह फैलने लगी थी कि हुमायूं जो है मर चुका है। और यहाँ पर जो है एक ऐसे ही सूबेदार या एक जो है उपराजा बन था तारदी बेग। उसके मरने के बाद में तारदी बेग जो है यहाँ पर अभी तारदी बेग के संरक्षण में दिल्ली में शासन वगैरह चल रहा था। तो तारदी बेग अभी दिल्ली में जो है शासन सत्ता पर बैठा हुआ था। और इस समय जो अफगान थे वो बिहार की तरफ भगा दिए गए थे, जिससे सूर्यवंश था ख़त्म हो गया था। लेकिन पूरी तरीके से केवल दिल्ली से तो ख़त्म होता सूर्यवंश, अभी बिहार में तो अभी भी सक्रिय थे। तो बिहार में जो है सक्रिय थे। इस दौरान अभी आदिल शाह जो था, सूर्यवंश का एक शासक था आदिल शाह, उसके बाद में सिकंदर शाह आता है। तो आदिल शाह का एक सेनापति था और प्रधानमंत्री था जिसका नाम था हेमू, जिसका क्या नाम था, हेमू। तो हेमू जो है वो दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है हुमायूं की मृत्यु के बाद। हालांकि आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है लेकिन पूरा व्यवस्था कौन संभाल रहा होता है, हेमू। तो हेमू जो है, और हेमू एक हिंदू राजा था, और हेमू दिल्ली की तरफ बढ़ता है, आगरा और दिल्ली को जीत लेता है और तारदी बेग को वहाँ से मार करके भगा देता है। कहाँ से, दिल्ली से। अब वो दिल्ली से तारदी बेग भागते हुए जाता है अकबर की तरफ। अकबर उधर से पंजाब वाले क्षेत्र से आ रहा होता है दिल्ली की तरफ। तो दोनों की मुलाकात होती है कालानौर में। कहाँ पर मुलाकात होती है, कालानौर में, ठीक है, कालानौर में मुलाकात होती है। ये पंजाब प्रांत में है, कालानौर कहाँ है, पंजाब प्रांत में। तो कालानौर में मुलाकात होती है तारदी बेग की। और तारदी बेग जो है हाँफते हाँफते पहुँचता है, बोलता है दिल्ली पर तो हेमू ने कब्जा कर लिया। आगरा और दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया है, हेमू का। और बड़ा बड़ा चढ़ा कर सुनाता है कि हेमू बहुत वीर लड़ाका है, उसके पास जो है एक से एक धनुर्धारी हैं और अब तुम जीत नहीं पाओगे। फिर से जो है दिल्ली गई हाथ से, मुगलों के हाथ से दिल्ली गई। अब बैरम खां बहुत बड़ा जो है सियासतदा था और बैरम खां एक सिया सरदार भी था, तो वो काफ़ी लड़ाका व्यक्ति था। तो बैरम खां को तारदी बेग की बात बुरी लगती है और बैरम खां तलवार निकालता है और तारदी बेग को ख़त्म कर देता है कि ये नेगेटिव बात क्यों कर रहा है, अभी अकबर हमारा छोटा बालक है, अभी 14 साल का बच्चा है, बेचारा डर जाएगा, हेमू की जो है बड़ाई कर रहा है यहाँ पे कि अब दिल्ली हमारे हाथ से निकल गई। तो उस बालक
डरे ना, और इसलिए जो है पॉजिटिव रहता है कि नहीं दिल्ली को फिर से हमें कब्जा करना है। तो तारदी बेग को कौन मार देता है? बैरम खान तारदी बेग की हत्या कर देता है। और जो है वहीं पर कालानौर में ही तुरंत झटपट जो है किसको राजा बनाता है? अकबर को। बैरम खां तुरंत वहीं पर कालानौर में ही 1556 ईस्वी में ही उसके पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद ही जो है तुरंत ही जो है कालानौर में दिल्ली नहीं पहुंच पाता है, कालानौर में ही कहां पर? कालानौर में ही उसका राज्याभिषेक कर देता है। कहां पर? कालानौर में। तो याद रखना कालानौर में 1556 ईस्वी में किसका राज्याभिषेक हुआ? अकबर का। दिल्ली पहुँच नहीं पाया क्योंकि अभी सूचना मिल गई थी कि अब जो है वहाँ पर हेमू पहुँच चुका है। अब हेमू पहुँच चुका है तो ऐसी स्थिति में अब वहाँ दिल्ली पहुँच करके उससे पहले ही राजा बनाना जरूरी है, दिल्ली का राजा बनाना जरूरी है अकबर को। तो अकबर को शासक घोषित कर देता है कालानौर में। अब आगे बढ़ता है अपनी सेना को लेकर के। इस बीच अब पानीपत वाला क्षेत्र आ गया। कौन सा क्षेत्र आ गया? पानीपत वाला क्षेत्र। पानीपत वाले क्षेत्र में ही बाबर भी सेना लेकर पहुँचा था, तो इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था। प्रथम अफगान शासक इब्राहिम लोदी, उससे युद्ध हुआ था। और इधर अकबर जो है अपनी सेना को लेकर के पहुंचता है बैरम खां के नेतृत्व में। और अकबर तो अभी छोटा था, 14 साल की उम्र में ही शासक बना था। कितनी छोटी उम्र में, जब बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा हो उस उम्र में राजा बन गया अकबर। इसीलिए अकबर का शासनकाल देखो कितना लंबा है, 1556 से लेकर के 1605 वर्ष तक, लगभग 50 वर्ष तक राजा रहा है अकबर। इतने लंबे शासनकाल तक रहा क्योंकि बचपन में 14 साल की उम्र में ही वो राजा बन गया था। और मरने तक जो है 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है, तब तक वो क्या रहा? बादशाह रहा, राजा रहा। तो इसीलिए बढ़िया पढ़ाई करो, कम उम्र में ही नौकरी पा जाओ, लंबी पीढ़ी तक जो है लंबी पारी तक खेलो, जैसे अकबर ने जो है बचपन में ही। इसकी तो मजबूरी थी भाई, 14 साल की उम्र में राजा बनना मजबूरी थी क्योंकि उसका पिता मर चुका था। वो नहीं चाहता था कि पिता इतनी कम उम्र में हमको छोड़ करके अनाथ करके चला जाए। अब जब पिता मर गया और इसका जन्म हो गया, ये तो भाग रहा था इधर उधर, भगेड़ू था। तो अब चूँकि भाग रहा था तो इसका लालन पालन इसकी एक्चुअल माँ और इसके एक्चुअल बाप ने नहीं किया था, बल्कि जो है एक धाय माँ थी, महामनगा। कौन थी? महामनगा, धाय माँ। धाय माँ का मतलब क्या होता है? जो पालन पोषण करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का लालन पालन किसने किया था? मैया यशोदा ने, मैया यशोदा ने। तो मैया यशोदा धाय माँ थी भगवान कृष्ण जी के लिए। इसी तरीके से अकबर की धाय माँ थी माहम अनगा। तो माहम अनगा ने जो है इनका लालन पालन किया जितना। अब जब बचपन से जिसके गोद में रहेगा बच्चा तो उसी को तो जानेगा, अपनी माँ को इतना अच्छी तरीके से नहीं पहचानता था। और इसी प्रकार से उसके चाचा ने पालन पोषण किया। चाचा कौन थे? अस्करी, हिंडाल, ठीक है, इन लोगों ने, कामरान, इन लोगों ने पालन पोषण किया। बाप तो अभी भाग रहा था, उसको तो खदेड़ दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। तो इसलिए जो है इसका जीवन बड़ा ही जो है कठिनाइयों में रहा। बचपन से पैदा होते ही बहुत कठिनाई में जीवन रहा है इसका। अपने माँ बाप का दर्शन भी नहीं कर पाता है जो है जन्म के बाद। तो इस तरीके से 14 साल की उम्र में बहुत कम रहा होगा अपने माँ बाप के साथ में, माँ खास करके अपने पिताजी के साथ में। और 14 साल की उम्र में ही उसकी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 14 साल की उम्र में आनंद फानंद में उसे कालानौर में राजा बनाता है बैरम खां, उसकी ताजपोशी करता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आगे बढ़ता है हेमू। इधर जो है आगरा जीत करके, दिल्ली जीत करके जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। हेमू एक ऐसा शासक था जिसने जो है लगभग अपने जीवन में 22 युद्ध किए थे और 22 युद्ध जीते थे। तो बहुत जो है ये भी वीर सेनापति था। और जब इतने ज़्यादा युद्ध जीते थे तो इसने एक उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य। तो एक प्रश्न आएगा कि मध्यकाल का वो कौन शासक था जिसने आखिरी बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हमने देखा था कि उधर जो है गुप्त वंश में भी विक्रमादित्य था। कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य अलग था, वो तो मौर्य वंश का था। गुप्त वंश में भी एक विक्रमादित्य था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ऐसे करके ये 14वां व्यक्ति था। कौन? हेमू। हेमू 14वां व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये नंबर याद रखना कि हेमू कौन से नंबर का विक्रमादित्य था? 14वें नंबर का। विक्रमादित्य का मतलब होता है एक बहुत महान शासक, जो है युद्धों में जिसको कोई परास्त न कर पाया हो। इसीलिए तो तारदी बेग उसकी बड़ाई कर रहा था कि बहुत जो है खतरनाक सेनापति है, बहुत तेज़ी से मारकाट करता है।
तो इस तरीके से अब यहाँ पानीपत में एक तरफ हेमू विक्रमादित्य की जो है आर्मी डटी हुई थी और दूसरी तरफ जो है अकबर और बैरम खां की सेना डटी हुई थी। अब किसी तरीके से जब वहाँ सेना डट गई और अकबर तो भी छोटा बालक था, वो तो डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इसी युद्ध में हमारा काम तमाम हो जाए और मुगल वंश यहीं से ख़त्म हो जाए, फिर जो है हेमू का शासन स्थापित हो जाए। लेकिन बैरम खां कटप्पा को कौन हराने वाला, वो तो बहुत बड़ा तलवारबाज और बहुत बड़ा जो है तीरंदाज था और रणनीति से काम किया। यहाँ पर क्या किया, मतलब जब युद्ध चला तो युद्ध के दौरान अगले कई घंटों तक उसने अपने तीरंदाजों को मना कर दिया था कि तीर नहीं चलाना है, क्योंकि जान रखा था कि जो है हेमू के तीरंदाज हैं वो तीर चलाएंगे, हमारे तीरंदाज, अब भाले और तीर और तलवार इसी से लड़ाई होती थी, इसके पास इतना गोला बारूद भी नहीं था, अभी तो स्थापित भी नहीं हो पाया था ना शासन, इधर उधर भाग रहा था, तो अभी इसके पास इतना गोला बारूद, इतने ज़्यादा जो है तोपची वगैरह थे नहीं इसके पास में। तो इसने बैरम खां ने बहुत ही चालाकी से कूटनीति से युद्ध किया। अभी जो है जब यहाँ पर पानीपत के मैदान में इकट्ठा होते हैं, आपका 5 नवंबर, ये तारीख याद रखना, 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, पानीपत के मैदान में। पहली बार इकट्ठा हुए थे कब हुए थे, 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पहली बार कौन इकट्ठा हुए थे, बाबर और इब्राहिम लोदी, तो उसको कहा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। और दूसरी बार 5 नवंबर 1556 को, यानी 30 वर्ष बाद उसका पोता बाबर का पोता या पौत्र इकट्ठा होता है उसी मैदान में, फिर से इतिहास दोहराने जा रहा है, फिर से एक बार दिल्ली की सत्ता को कब्जाने के लिए पानीपत गवाह बनने जा रही है युद्ध भूमि के रूप में। तो पानीपत जो है फिर से एक बार लाल रक्त रंजित होने जा रही है 5 नवंबर 1556 को। अब इधर से बाणों की सैया शुरू हो जाती है, बाणों की वर्षा होती है और इसको ये लगता है कि जो है अकबर के खेमे में कोई तीरंदाज है ही नहीं, हेमू तो बाण, उसके सैनिक बाण भी जो है वीरता से लड़ते हैं, बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं अकबर के। आखिरी समय में इसे लगता है कि जो है अब ये युद्ध हारने वाला है कौन, अकबर। तभी ये जो है एकदम से सामने आ जाता है। वैसे पहले के युद्ध में क्या होता था कि अगर जो सेनापति है युद्ध का, अगर वो किसी तरीके से मार दिया गया तो पूरी युद्ध जो है विपक्ष का खेमा जीत लेता था, ठीक है। तो सेनापति को जो है कवर करके रखते थे सैनिक कि सेनापति हमारा जीवित रहे युद्ध तक, यही तो हम शतरंज में भी खेलते हैं ना, तो यही खेल होता था युद्धों का। और सेनापति जो हेमू था वो एक हाथी पर जो है बैठा हुआ था, अपने जो है निर्देश दे रहा था छुप करके, दुश्मन खेमे को दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही इसको लगा कि उसके तीरंदाज जो है नहीं, तो मतलब खड़ा हो गया अपने हाथी पर जो है और सामने आ गया और युद्ध विजय की घोषणा करने वाला था कि युद्ध हम अब जीत चुके हैं। उसी दौरान एक तीरंदाज उसका जो है बाबर इसका अकबर का तीर छोड़ता है और हेमू के आँख में आकर के लग जाती है, और हेमू चकरा करके उसी हौदे में गिर जाता है। हाथी के ऊपर एक हौदा रखा जाता है ना, बड़ा सा चौकोर, उसी हौदे में तो बैठते हैं, तो उसी हौदे में गिर जाते हैं। और इनके सिपाहियों को लगता है, हेमू के सिपाहियों के लगता है कि हमारा सेनापति, हमारा प्रधानमंत्री मारा गया। अब भगदड़ मच जाती है, उसकी सेना भागने लगती है कि अब तो युद्ध जीतते जीतते हम क्या हो गए, हार गए। और उधर तुरंत बैरम खां जो है फुर्ती से आता है, हेमू को अपने कब्जे में करता है और उसे ले जा करके अकबर के समक्ष पेश करता है। वैसे तो ये होना ही चाहिए कि युद्ध अगर सेनापति ने मतलब उसको बंदी बना लिया है तो उसे जो है वहीं पर सरेंडर करवा करके और उसे कारागार में डाल करके और युद्ध विजय की घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन बैरम खां बड़ा चालाक था, इस बार वो सोच रहा था कि दोबारा ऐसा चांस नहीं देंगे, हमारे जो है राजा हुमायूं ने बड़े ऐसे जो है कारनामे किए हैं जिसकी वजह से भागते रहे हमेशा, तो ऐसी कुछ गलती करनी नहीं है। तुरंत तलवार निकाला बिना आज्ञा के, अकबर के बिना आदेश के तलवार निकाला और खटाक बैरम हेमू को मार दिया, सरकलम कर दिया वहीं पर युद्धभूमि में ही। होना ये चाहिए था कि हेमू जो है युद्ध में पकड़ा गया था युद्धभूमि में, तो उसे बंधक बना करके और जो है विजय की घोषणा कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसे तलवार से काट दिया और पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब ये चूँकि पहले एक युद्ध हो चुका था तो इसको क्या नाम दिया गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है
बैरम खान ने जीत लिया। युद्ध तो हो रहा था, अकबर ही राजा था, लेकिन सेनापति कौन था? बैरम खान। बैरम खान उसका संरक्षक भी था और सेनापति भी था। तो इस तरीके से बैरम खान ने युद्ध को जीत लिया, पानीपत का दूसरा युद्ध। और हेमू विक्रमादित्य जो है इस युद्ध में गाली मूली गाजर हो गया, यानी मारा गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से इतिहास एक बार फिर से दोहराई, दिल्ली सल्तनत और दिल्ली पर मुगल वंश जो है ख़त्म होते होते बचा, एकदम बिल्कुल। युद्ध हार रहे थे, हारते हुए युद्ध को जो है जीत लिए अकबर जो है, मतलब एक तरीके से अकबर का भाग ही कहेंगे कि जो है वो हारता हुआ युद्ध जो है, हारती हुई बाजी लास्ट में जीत गया। और जीत गया फिर दिल्ली पर आकर के कब्जा कर लेता है, दिल्ली पर बैठ लेता है। इस तरीके से जो है अब पूरी तरीके से अफगानों का खात्मा हो गया। अफगान जो थे, जो बचे हुए अफगान थे, वो अब आकर के जो है मुगल्स के दरबार में या तो जो है किसी शाही पद पर आसीन कर दिए गए, भाई जो उसी उसके समय के जो भी अफगान थे शासक राजा के समय के, तो वो सब आकर के किसी मंत्री पद पर, किसी जो है अधिकारी के पद पर राजा के यहाँ, अकबर के यहाँ आकर के बैठा दिए गए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पानीपत का दूसरा युद्ध जीत लिया जाता है। अब युद्ध जीत लिया गया तो इसके बाद देखो, इसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं, बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। एक तो इस समय यहाँ पर राजपूत शासक थे, गुजरात वाले उसमें जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में राजपूत शासक थे, ये बहुत परेशान कर रहे थे, राजपूत शासक परेशान कर रहे थे। तो इसने जो है ये अपने बाबर की भांति उस तरीके से जो है नहीं था कि जो है केवल मारकाट में ही विश्वास करना है, इसको जो है कई नीतियाँ अपनाई थी राजपूत शासकों के साथ में, इसने कई नीतियाँ अपनाई थी। जैसे कि पहले तो समझाता था कि संधि कर लो और हमारे साथ आ जाओ और मिल करके शासन सत्ता करते हैं, नहीं मानते थे तो फिर युद्ध करता था। और दूसरी बात, उसने जो है ज़्यादातर शादियाँ की हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं और अपना बनाया है। लेकिन इस दौरान अभी वो छोटा था, 14 साल की उम्र में ही जो है ये युद्ध जीतता है। तो अभी छोटा था तो इस दौरान गद्दी पर तो बैठा वो था अकबर, लेकिन बैरम खां का वर्चस्व ज़्यादा था, बैरम खां का वर्चस्व ज़्यादा था। तो 1556 से लेकर के 1560 तक, 1556 से लेकर के 1560 तक बैरम खां की जो है संरक्षक में शासन चलाता है। अब बैरम खां जो है काफ़ी कठोर व्यक्तित्व का व्यक्ति था, वो जो निर्णय ले लेता था वही मान होता था, और हुमायूं के समय से बैरम खां था। तो बैरम खां को इसीलिए जो है इसको जो है खान बाबा के नाम से संबोधित करता था अकबर। क्या कहता था? खान बाबा। उम्र में बड़ा था तो इसे क्या कहता था? खान बाबा। तो प्रश्न कभी कभी आता है, खान बाबा किसको कहता था अकबर? बैरम खां को। तो खान बाबा एक कठोर व्यक्तित्व का आदमी था, और 1556 से लेकर के 1560 तक जो है अकबर ने किसके संरक्षण में शासन किया? बैरम खां के संरक्षण में। तो अब इस दौरान बैरम खां का पतन भी होना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसे काम करने लगा बैरम खां कि अकबर को लगता था कि जो है मैं तो राजा बना हूँ लेकिन मेरी तो कोई महत्व ही नहीं है, जो भी निर्णय लेना है तुरंत, अगर किसी अपराधी को सजा देना है तुरंत जो है मृत्युदंड दे देता था बैरम खां, बिना जो है अकबर से सलाह लिए। यानी कुल मिलाकर के नाम मात्र का शासक अकबर था। तो अब इसके अकबर के कान को भरने लगे। इधर एक उसकी जो माँ थी धाई माँ महामनगा, उसे भी बुरा लगता था। और दूसरी बात जो है, बैरम खां एक सिया था, बैरम खां एक सिया धर्म का था, सिया धर्मावलंबी था, सिया जो है संप्रदाय का था। हिंदू मुस्लिम धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, सिया और सुन्नी। ज़्यादातर जो है सुन्नी संप्रदाय के लोग जो है हिंदुस्तान में थे उस समय, आज भी है, तो सिया संप्रदाय के लोग कम थे और जो बैरम खां था वो सिया संप्रदाय का था। तो कई लोग कान भरने लगे कि ये सिया है, सिया है, तभी तो उसने जो है तारदी बेग को मार दिया था, तारदी बेग सुन्नी था। तो ऐसे करके इसका कान भरते हैं अकबर का, कि भड़काते हैं कि किसी तरीके से बैरम खां को जो है उसके वर्चस्व को ख़त्म करना है। दूसरी तरफ इधर जो है उसकी माँ जो थी धाई माँ महामनगा, वो भी कान भरती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है बैरम खां का पतन शुरू हो जाता है, बैरम खां का पतन शुरू हो जाता है। अब बैरम खां को अकबर जो है, अब अकबर 18 साल का हो गया है, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है और वो वयस्क हो गया है। तो वो कहता है, खान बाबा अब आप मक्का चले जाओ। कहाँ चले जाओ? मक्का चले जाओ और राजपाट हम संभालेंगे, क्योंकि जो है आप बुज़ुर्ग हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो आप अब तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ मक्का के लिए।
तो उसको बड़ा झटका लगता है कि मुझे मक्का भेजा जा रहा है, जब मैंने इतनी सेवा की जो है मुग़ल सल्तनत की और मुझे मक्का भेज रहे हैं। फिर भी राजा का आदेश था तो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इधर महामनगा कान भर देती है अकबर की। तो एक सैन्य दल की टुकड़ी जो है भेजता है अकबर कि उसे उससे युद्ध करके उसे रास्ते में ही मार दो, नहीं तो ये फिर वापस आएगा, क्या पता जो है दोबारा, क्योंकि इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, दोबारा आ करके मुझे मार करके सत्ता वापस ले सकता है। तो इस तरीके से बैरम खां से युद्ध होता है रास्ते में ही, और उसे बंदी बना करके अकबर के समक्ष लाया जाता है। अकबर के समक्ष लाते हैं तो अकबर अब कहता है कि तुम्हारे पास तीन चॉइस हैं। पहला चॉइस तो ये है कि तुम किसी राज्य का तुमको हम सूबेदार बना देते हैं, या फिर तुम हमारे सैन्य सलाहकार बन जाओ। अकबर कहता है हमारा सैन्य सलाहकार बन जाओ या फिर मक्का चले जाओ। तीन शर्त रखती है, तीन शर्त रखा जाता है। अब चूंकि वो मतलब एक तरीके से वजीर था, प्रधानमंत्री था, और अब उसे प्रधानमंत्री को तुम कहोगे कि दोबारा तुम्हें जो है क्या बना दें, सूबेदार बना दें, एक सूबे का जो है राज्यपाल बना दें, तो क्या वो पद एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। बड़ा पद पर रह करके छोटे पद पर थोड़े नहीं आना चाहेगा। अब जैसे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, अब रामनाथ कोविंद को किसी राज्य का राज्यपाल बना दो, बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो यही हाल उसके साथ भी हुआ, बैरम खां के साथ। तो अब चूंकि ऐसे शर्त रखे कि उसे तीसरा शर्त मानना ही पड़ेगा, मक्का वाला, तो मक्का जाने का शर्त उसने मान लिया कि हमारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी अकबर ने, और जो है नमस्ते, हमारी अकबर ने जो है बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। तो फिर वो कहता ठीक है मैं मक्का चला जाता हूँ। तो मक्का जा रहा था गुजरात के रास्ते इधर से ऐसे मक्का जाने जा रहा था। तो मक्का जाते समय ही गुजरात में पाटना एक स्थान है। अब इधर महामनगा ने एक खेल खेल दिया, एक अफगान युवक को जो है भड़का दिया कि बैरम खां ने सरहिंद के मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में तुम्हारे जो है पिताजी को मारा था इसने, किसने? बैरम खां ने। तो अफगान युवक घात लगा कर बैठा था गुजरात में पाटन नामक स्थान पर, और जैसे ही वहाँ पहुँचा पाटन में छिप करके उस अफगान युवक ने आकर के इसकी हत्या कर दी। तो बैरम खां इस तरीके से 1560 में ख़त्म हो जाता है और इसकी जो है हत्या हो जाती है, और अब जो है पूरी तरीके से अकबर बैरम खां से मुक्त हो जाता है। अब बैरम खां को अकबर सीधे नहीं मार सकता था, क्योंकि उसने जो है काफ़ी सेवा की थी, लालन पालन किया था, एक तरीके से पिता तुल्य था, पिता के समान था, तो डायरेक्ट उसको जो है सजा नहीं दे सकता था। हालांकि अकबर का कोई इसमें हाथ नहीं था उसको मरवाने में, वो तो मक्का भेज दिया था कि मक्का जा करके अपना जो है बाकी का समय वहीं व्यतीत करो, तो मक्का जा रहा था। लेकिन महामनगा ने ऐसा चाल चल दिया, क्योंकि महामनगा जानती थी कि ये तो लड़का है, अभी इसको क्या पता राजनीति कूटनीति, दोबारा हो सकता है फिर से वापस आ जाए बैरम खां और सत्ता पर जो है अकबर को फिर से अपने कब्जे में कर ले। तो इसलिए रास्ते से उसको हटवा दिया, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर ही उसकी हत्या हो जाती है और बैरम खां का इंद्र हो जाता है। अब बैरम खां खत्म हो गया, तो अभी अकबर जो है स्वतंत्र रूप से शासक नहीं बन पाया था। अब यहाँ पर 1560 से लेकर के 62-64 तक जो है पेटीकोट शासन में शासन करता है, पर्दा शासन आता है, पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कहते हैं, अर्थात जो हरम दल की महिलाएं थी उनके संरक्षण में शासन कर रहा था। हरम दल की महिलाएं कौन? महामनगा थी, महामनगा का पुत्र आधम खां महामनगा का पुत्र था। महामनगा कौन थी? जिन्होंने अकबर को पालन पोषण किया था, अकबर का लालन पालन किया था। तो अब जो कुछ भी मतलब काम, जो भी नियम कानून या जो कुछ भी राजकाल करना होता था तो महामनगा से पूछ के करना पड़ता था अकबर को। हालांकि 18-19 साल का हो गया था, लेकिन फिर भी जो है अकबर अभी जो है महामनगा और उसकी बेटी, उसके बेटे के संरक्षण में कार्य कर रहा था। आधम खां, उसकी बेटी जो थी जीजी, और जीजी का हस्बैंड, ये सब मिल करके जो है अभी उसके संरक्षण में अकबर शासन चला रहा था। तो इसीलिए 1560 से लेकर के 1564 तक का समय कहलाया अकबर के पेटीकोट शासन का। पेटीकोट शासन भी कहते हैं, पर्दा शासन भी कहते हैं, ठीक है, यानी अभी खुले रूप से शासन नहीं कर रहा है। और इसी दौरान आधम खां बहुत तेज़ी से जो है उभर रहा। अकबर जो है एक तरीके से सहिष्णु शासक था। अकबर इतना ज़्यादा मारपीट में विश्वास नहीं करता था, लेकिन आधम खां जिस तरीके से उसका नाम था उसी तरीके से वो क्रूर भी था। तो आधम खां क्या करता था कि वो ज़्यादातर किसी मतलब
किसी अभियान में गया, वहाँ बहुत मारकाट करता था, मारकाट करके जो है शासक को बंदी बनाकर मार देता था। ये चीज़ उसको बुरा लगता था, किसको? अकबर को। तो एक बार क्या हुआ, अकबर के ही विश्वस्त व्यक्ति को मार दिया, अकबर के ही विश्वस्त व्यक्ति को ही मार दिया, किसने? अधम खान ने। और उसके बाद जो है वो तलवार लेकर के अकबर को मारने के लिए भी प्रयास किया एक बार। जोधा अकबर एक मूवी आई थी, उसमें आपने देखा भी होगा कि आधम खां जो इसका चचेरा भाई था, यानी धायमा जो थी महामनगा उसका पुत्र, तो उसे जो है आधम खां ने मारने का भी प्रयास किया अकबर को। तो अकबर गुस्सा हो जाता है और आधम खां को छत पे ले जाता है और छत से उठवाकर फेंकवा देता है। पहली बार फेंकता नहीं मरता, दोबारा फिर उठवा के फेंकवा देता है, ये कहाँ उसमें दिखाया गया है मूवी में। और दो तीन बार फेंकवाता है, फिर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1562 ईस्वी में आधम खां मारा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब जब बेटा मारा गया तो महामनगा जो उसकी माँ थी वो भी शोक में कुछ ही महीने बाद मर जाती हैं। तो 1562 में वो भी मर जाती हैं। तो इस तरीके से 1562 ईस्वी में धीरे धीरे करके, अभी जीजी वगैरह थी, इसकी माँ थी जो है हमीदा बानो बेगम, अभी इतनी अच्छी तरीके से उसके पूरी तरीके से मतलब संरक्षण ख़त्म नहीं हुआ था। तो 1564 तक आते आते पूरी तरीके से पेटीकोट शासन खत्म हो जाता है और अकबर अब स्वतंत्र रूप से सत्ता संभाल लेता है। तो इस तरीके से पेटीकोट शासन भी खत्म हो जाता है 1560 से 64 तक। तो प्रश्न आता है कि पेटीकोट शासन क्या है? अकबर ने पेटीकोट शासन किया था, यानी पेटीकोट कौन पहनती हैं? औरतें पहनती हैं ना, तो औरतों के संरक्षण में उसने शासन किया था, इसीलिए उसको कहा जाता है, इतिहासकारों ने नाम रख दिया है पेटीकोट शासन, और कुछ नहीं है। उस समय उस अकबर के साथ में, अकबर के समय में अगर ऐसा कहते ना कि अकबर जो पेटीकोट शासन में जी रहा है, तो इतिहासकार का ही सरकलम कर देता है, कहता अच्छा मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बाद में इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखना शुरू किया, कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया कि अच्छा 4 साल अकबर जो है महिलाओं के संरक्षण में शासन किया है, हरम दल की महिला, हरम दल जो महिलाएं जो महल में रहती थी, राजशाही महिलाएं, उनको क्या कहा जाता था? हरम दल की महिलाएं। तो हरम दल की महिलाओं के संरक्षण में शासन किया था, तो इसलिए जो है गुप्त उसको पर्दा शासन भी कहते हैं या पेटीकोट शासन भी कहते हैं। तो इस तरीके से 1560 में वो जो है पेटीकोट शासन से उसको मुक्ति मिल जाती है। अब वो करता है अभियान, अब अभियान शुरू करता है अपने जो है भारत की सीमा को विस्तार करने का। तो ये अभियान शुरू करता है और अभियान करके ये यहाँ से काबुल कंधार से लेकर के, हाँ काबुल कंधार से लेकर के कश्मीर और बरार तक का पूरा क्षेत्र जो है अपने कब्जे में कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अगले क्लास में अब इसका पूरा अभियान का अध्ययन करेंगे, अभियान अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे धीरे धीरे जो है इसकी पूरी धार्मिक नीतियाँ क्या थीं और अकबर की जो है आर्थिक नीति क्या थी और अकबर ने कौन कौन से स्थापत्य कला के क्षेत्र में कार्य किया, क्योंकि ये युद्ध के साथ साथ में बहुत सारे विकास के कार्य भी किए हैं। इसने जो है एक नया धर्म भी चलाया था दीन इलाही नाम से, सभी धर्मों को मिला करके इसमें जो है चलाया था। और ख़ास करके ये जो है अब इसकी जो प्रिय पत्नी थी वो राजपूत पत्नी थी, जोधाबाई, हरखाबाई जोधाबाई, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ऐसा नहीं था कि पत्नी बना करके और उनको मुस्लिम बना लेता था, जैसे जोधाबाई को कृष्ण प्रिय थे तो वो क्या करता था कि मंदिर अपने महल के अंदर ही जोधाबाई के लिए मंदिर बनवा दिया था कि तुम पूजा अर्चना करो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने धर्म को मानो। तो इसलिए इसने एक सुलह कुल, इसने जो है एक सुलह कुल की नीति चलाई और दीन इलाही की जो है एक नया धर्म ईजाद किया। तो बहुत सारी चीज़ें इसने की है, ये सब हम लोग जो है बहुत रोचक चीज़ें हैं, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे और इनसे बहुत प्रश्न भी आते हैं। इन सब का अध्ययन हम लोग धीरे धीरे अगले क्लासेज में करेंगे, तो 2-3 क्लास में ये ख़त्म हो पाएगा।